अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मेमार। आज की इस वीडियो में आपको रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम और इसमें जो आउटसाइड के कॉलम थे, बीम थे, वो फिक्स कर दिए गए हैं। और ये जैसे ही इंशाल्लाह कंप्लीट होगा तो इसके ऊपर के शेड और ये जो टी वाले हैं जो ऊपर से आपको सरिया नज़र आ रहा है, इसके ऊपर काम शुरू कर दिया जाएगा। और बाहर से आप देख रहे होंगे कि इसको बारिश की वजह से जितनी मिट्टी थी वो सारी रोड पे आ गई है, तो आपको बाहर इस वजह से लग रहा है। और मेन एंट्रेंस पे भी बहुत पानी का है। और इधर से भी देख सकते हैं कि बाहर जितने भी गुलाई में बाहर की साइड कॉलम आ रहे थे वो कंप्लीट हो गए। अभी हम इधर से अंदर जाएंगे। 220 टन की क्रेन के साथ ये रैकर की फिक्सिंग की जा रही है। रैकर ये जो डबल स्टैंड के सीढ़ी की तरह आपको दिख रहे हैं, ये रैकर बीम है। ये सबसे हैवी आइटम है, 40 टन। और ये कंप्लीट होने के बाद इसके ऊपर की टी वालों के ऊपर फॉर्म वर्क लगा के उसकी कंक्रीट करके उसके बाद शेड का काम शुरू कर दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह ये 2025 तक इसकी फिनिशिंग का काम जितना भी है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये आगे हम वीआईपी एरिया में, वीआईपी एरिया से देखते चलें तो ये सारे रैकर आपको नज़र आएंगे। ये कम्प्लीट हो गए हैं रैकर, सामने से देखते चलें, ये रैकर कम्प्लीट नज़र आते जा रहे हैं, कंप्लीट हो गए हैं। और इधर से हम आए हैं बाहर, बाहर से ये कालमों को दिखाता चलो। ये बाहर आउटसाइड के जितने भी कालम थे वो कंप्लीट कर दिए गए हैं और इनके ऊपर बीमों की भी फिक्सिंग कर रहे हैं। बीमों की फिक्सिंग करने के बाद कंप्लीट। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।